नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज मैं आप लोगों के सामने एक अमेरिकन ड्रामा कॉमेडी मूवी का रिव्यू लेके आया हूं। और उस फिल्म का नाम है द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड। ये कल ही रिलीज हुई है और ये आप देख सकते हैं। और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप, वो टेलीग्राम का लिंक है और आप उसके थ्रू ये मूवी देख सकते हैं। ये फिल्म न्यूयॉर्क सिटी से स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो हीरो रहता है, स्कॉट रहता है उसका नाम रहता है, और वो एक हमेशा सपना देखता रहता है कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टैटू बनाने वाला है और हमेशा टैटू के ही सपने में खोए रहता है। उस हीरो जब 7 ईयर्स का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से वो डिप्रेशन में रहता है और उससे अपना टाइम निकालता रहता है। कभी उसके काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं और फ्रेंड्स के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखता है, गेम खेलता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, नाइट पार्टी अटेंड करता है, यही सब उसकी लाइफ में रहता है। उसकी एक छोटी बहन रहती है, माँ भी रहती है, और छोटी बहन के साथ लड़ता भी रहता है। छोटी बहन बाद में उसके कॉलेज चली जाती है पढ़ने और माँ के साथ रहता है। तो एक घटना ऐसी होती है कि उसकी माँ की लाइफ में एक आदमी इंटर करता है जिसका नाम रे रहता है, और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और वो एक फायरमैन रहता है। तो जब इसको पता चलता है स्कॉट को कि ये रे फायरमैन है, तो उसे चिढ़ता भी है, गुस्साता भी है, माँ को बोलता है आपने गलत चूज किया है, ये है वो, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद क्या होता है, रे की अपनी भी फैमिली रहती है, उसके भी बच्चे रहते हैं, ये दो लोग रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सेप्ट करता है रे को कि नहीं। और रे के इंटर होने से इसकी फैमिली में, स्कॉट की लाइफ में कुछ चेंजेज आता है कि नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी मस्ती वाली रहती है। तो वो एक फायरमैन रहता है, अच्छा आदमी रहता है, तो उससे ये कुछ सीख पाता है कि नहीं, इसके लाइफ में ट्विस्ट होता है कि नहीं, ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। मूवी काफ़ी कॉमेडी है और ड्रामा बेस्ड है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ जो भी मूवी हो, चाहे इंग्लिश में हो, पॉलिश लैंग्वेज में हो या ब्राजीलियन में हो, किसी भी लैंग्वेज में, मैं सोचता हूँ सबसे पहले आप लोगों को रिव्यू दूँ, जिससे आप लोगों का टाइम अच्छा निकलता रहे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है। तो आपको ये देखनी चाहिए और ये 136 मिनट की मूवी है और US बेस्ड मूवी है। और ये इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि हिंदी लैंग्वेज में नहीं है। तो आप देखिए, आपका टाइम अच्छा पास होगा। और ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को अगर इस फिल्म के लिए, इस फिल्म का रिव्यू पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि उसी से अपकमिंग अलर्ट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक यू।